खैर मकदम, दिस इज डे 6 एंड व्लॉग नंबर 5 फ्रॉम कश्मीर ट्रैवल सीरीज। पहलगाम होटल से चेकआउट कर रहे हैं, लगेज लोड कर दिया गया है, अब यहाँ से जा रहे हैं श्रीनगर। इस वाले व्लॉग में मैं आपको रोड ट्रिप दिखाऊंगा, कुछ श्रीनगर के टूरिस्ट अट्रैक्शंस प्लस हाउस बोट प्लस डल लेक। यस, शुरुआत करें? नहीं, ऐसे नहीं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। मोस्टली ये वाला है लास्ट व्लॉग फ्रॉम दिस कश्मीर ट्रैवल सीरीज। और जनाब, मैं तो आपसे ही कहूँगा, घूम के आ गया मज़ा, बट हाउस बोट बाकी है, आपको वो भी दिखाना ज़रूरी है। और यहाँ का आप वेदर देखिए, यहाँ का मौसम, दिस इज जन्नत कश्मीर। आइए रोड ट्रिप की जल्दी से शुरुआत करते हैं। रोड ट्रिप हुई ख़त्म, अब हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। और आप देख रहे हो, ये है हमारा टूरिस्ट अट्रैक्शन नंबर 1, दिस इज़ शंकर आचार्य टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और आप यहां पर आइए महाशिवरात्रि में, आपको यहां पर अलग ही माहौल मिलेगा। और ये लोकेट है 1000 फीट अबव द सी लेवल। अब आप सोच रहे हो कि भैया मेरी सांस क्यों चढ़ रही है, मैं आपको बता दूँ आपको लगभग कितनी सीढ़ी चढ़नी है, 280 स्टेयर्स। यस, तो बाय नहीं चांस अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आप देख लीजिएगा, मेरे मम्मी पापा तो नीचे ही वेट कर रहे हैं, अब मैं ही अकेला ऊपर चढ़ के आया हूँ ताकि मैं आपको ये पूरा टेंपल दिखा सकूँ। और आपको यहाँ टेंपल से अगर आप देखोगे क्या ज़बरदस्त व्यू मिलता है, आप ये टेंपल कह लीजिए, प्लस आसपास की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ टोटली मैनेज्ड बाय ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बट भाई साहब, सीढ़ियों का ध्यान रखिएगा, 15 से 20 मिनट लगते हैं, बट जब शिव जी के दर्शन होते हैं ना, मज़ा आ जाता है। मेरे साथ एक बार बोली तो सही, हर हर महादेव। और यहाँ से ये नज़ारा आप देखिए, श्रीनगर का टूरिस्ट स्पॉट नंबर 2, परी पैलेस, पीर पैलेस, या आप कह लीजिए द पैलेस ऑफ फेरीज, जो ओपन हुआ था 1600 में। और जानते हैं इसको यूज़ किया गया था टू टीच एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी। और जो मैंने ऑनलाइन पढ़ा है वो ये है, इस जगह को आज भी यूज़ किया जाता है एज एन इंट्रोगेशन सेंटर, बाकी आप सब समझ सकते हो। और इस पैलेस के लिए देर इज़ एन एंट्री फीस ऑफ 24 रुपीज़ पर पर्सन। और आई गेस दिस इज 7 फ्लोर्स। अगर आप देखोगे कितना हिस्टोरिक, सोचिए 1600 में ओपन हुआ है, कितने साल पुराना, अगर आप देखोगे एंशियंट वगैरह सब कुछ। और यहाँ से श्रीनगर का क्या लुक मिलता है। तो अगर आप श्रीनगर घूमने आ रहे हो, दिस इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेस जो आपको ज़रूर एक्सप्लोर करनी है। इस तरफ आप लोकल कश्मीरी ड्रेस में फ़ोटो वगैरह भी खिंचा सकते हैं। आप देखिए नेचर प्लस पूरा हिस्ट्री आप देखो, और सामने माउंटेन्स, यही तो है कश्मीर। जितना भी आप घूमोगे ना उतना कमाएंगे, वहाँ पर भी आप वापस डल लेक देख सकते हैं। अब हमने लिया है टी कॉफ़ी ब्रेक। पापा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका ये कश्मीर टूर कैसा जा रहा है? 6 नाइट 7 डेज, बहुत अच्छा है। हाँ, और भला हो उस ट्रेवल एजेंसी का जिसने हमको ये टूर प्लान करके दिया जी। तो उनके प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, हमको कोई मगजमारी कहीं कोई दिक्कत ही नहीं हो रही, सब कुछ एकदम से अच्छा सा जा रहा है। कहीं भी कुछ भी हो वो सब हमको प्लान अरेंज करके देते हैं। आपको बता दूँ, हम ट्रैवल कर रहे हैं पूरी फैमिली विद eTripto.in। तो कश्मीर के लिए अगर आप ट्रैवल प्लान बना रहे हो पापा, उनको कॉन्टेक्ट कीजिए, बाकी सब डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फाइनली पहुंच गए डल लेक। अब आपको बता दूं प्रोसेस क्या है, जो हमारी मेन हाउस बोट है वो कहीं और है। अगर आप देखोगे तो आपको यहां से शिकारा से जाना है, हमारा लगेज वगैरह सब कुछ इसमें बोर्ड किया जाएगा। और यहां पर क्या है, अलग अलग गेट नंबर्स बना रखे हैं, तो आप देखोगे दैट इज़ गेट नंबर 12 जहां से हमने एंट्री की है।
तो आप पूरा लगेज यहाँ लोड करेंगे, जो भी टूरिस्ट हैं वो सब बैठेंगे और ये वाली शिकारा हमको लेके जाएगी हमारी मेन मेन हाउस बोट तक। भाई साहब क्या ये प्रोसेस है, अभी तो आप देखते जाएगा महज शुरुआत है। पूरा हाउस बोट मैं आपको दिखाऊंगा, शिकारा राइड हम डल लेक पे करने वाले हैं, सब कुछ आपको वर्चुअली दिखाया जाएगा। इतना ही कहूँगा, मज़ा आने वाला। चलें जनाब, भाई जान रखें लगेज रखें। हाउस बोट पहुंच चुके हैं, अब आपके लिए पूरा बनता है। आप देख लीजिए दिस लग्जरियस हाउस बोट का आपके लिए पूरा इंटीरियर टूर। यहां पर आप सिटिंग एरिया, गैलरी वगैरह देख सकते हो। अंदर चलेंगे इस तरफ, पूरा डाइनिंग एरिया आप कह लीजिए। ये देखिए यहां पर पूरा डाइनिंग एरिया, प्लस अगर आप फैमिली के साथ थोड़ा बहुत चिल करना चाहें, अगर आप कपल में ट्रैवल कर रहे हो तो आप चिल कर सकते हो। पूरा आप इनका डिज़ाइन देखिए, इन्होंने कितना सही शैनलेट्स वगैरह अगर आप देखोगे यहां पर, स्पेशली आपके लिए म्यूज़िक सिस्टम पूरा बॉलीवुड सिस्टम। आप यहां पर थोड़ा बहुत डांस करना चाहें, पार्टी करना चाहें, प्लस आपको यहां पर ये फ्रिज दिया गया है इनकेस अगर आप कुछ भी ठंडा वगैरह कुछ कैरी कर रहे हैं। आपको यहां पर बता दूं फ्री वाईफाई मिलेगा 24 आवर्स। आप ये देख लीजिए इंटीरियर पूरा, दिस इज़ आप कह सकते हो लिविंग रूम जो इन्होंने यहाँ पर सोफ़ा वगैरह बनाया है पूरा। अब इस तरफ चलेंगे, ये हो गई इसकी हाउस बोट की गैलरी। इसमें आपको टोटल 3 रूम्स मिलते हैं, 1, 2 और 3 जो हमने लिया है। इस तरफ आपको दिखा दूँ, दिस इज़ कपल का रूम, अगर आप कपल में ट्रैवल कर रहे हो तो दिस इज़ फॉर 2 पीपल। यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें ऑलरेडी एक टूरिस्ट है, तो ये सेकंड वाला मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तीसरा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जो रूम हमने लिया है दिस इज़ 2+1 का कॉम्बिनेशन, बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। आप देखिए, तो अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो आप ये वाला रूम ले सकते हो। अगर देखो आपको लगता ही नहीं कि आप हाउस बोट पे, पापा कैसा लग रहा है एकदम। आप देखिए क्या इन्होंने सही डिज़ाइन कर रखा है। बेड वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको इलेक्ट्रिक चार्जिंग वगैरह सब कुछ फर्स्ट क्लास यहाँ पर ये सब दिया गया है। आप देखोगे इस तरफ विंडो वगैरह आप देखना चाहो, व्यूज़ वगैरह आप लेना चाहो, सब कुछ यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास दिया गया है। अब आप सोच रहे होगे वॉशरूम, तो आपको इसमें मिलता है यहाँ पर अटैच्ड वॉशरूम। आप देखिए हमको यहाँ पर इन्होंने बाथ टब दिया है, सोचिए 24 आवर्स आपको यहाँ पर मिलेगा गर्म पानी। तो डिपेंडिंग अपॉन द वेदर आपको उसकी भी बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बट आपको बता दूँ इस वाली हाउस बोट में टोटल 3 रूम्स हैं, और जैसा मैंने आपको बताया जो हमने लिया है आप देख लीजिए 2+1 का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना ही स्मोकिंग अलाउड है, ना ही हुक्का अलाउड है, एंड ना ही ड्रिंकिंग अलाउड है ऑन बोर्ड। दिस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट रूल, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इंटीरियर आपको कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और एक नाइट मैं मम्मी पापा के साथ ऑन डल लेक, हाँ पापा, इस वाली हाउस बोट में स्पेंड करने वाला हूँ। मम्मी सब बिल्कुल तैयार, मम्मी आर यू रेडी रहने के लिए, है ना? एक्सपीरियंस कैसा होने वाला पापा, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है हाउस बोट का? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, कुछ अलग ही, अलग ही दुनिया है। आप देखिए इन्होंने कितना सही डिज़ाइन कर रखा है। इस तरफ आप गैलरी वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर कुछ टूरिस्ट हमारे साथ हैं, और ये हो गया हमारा, मज़ा आ गया। आप सोचिए बिल्कुल ऑन द लेक आप हाउस बोट के अंदर, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं। करंट वक्त 6:45 और फाइनली यहाँ पर वेदर हुआ अच्छा। हमारे साथ इम्तियाज भाई, हाँ जी इम्तियाज भाई, जो हमारी शिकारा राइड करने वाले हैं। और दल लेक में अगर आप देखोगे कश्मीर में, ये हो गया शिकारा राइड। पापा क्या कहना चाहेंगे, आर यू रेडी? बहुत बढ़िया, ये तो कुछ नया ही अनुभव है, राजा महाराजाओं की तरह बैठे हैं। हाँ, और अपने बेटे के साथ पापा, बट कश्मीर में दल लेक में शिकारा पापा, लोग सपना देखते हैं पापा। यस, फाइनली आज ये मौका आया है, शिकारा में बैठने का मौका मिला। इसको बोलते हैं शशि जन्नत, शशि कपूर का शिकारा, जन्नत का नजारा। अरे क्या बात है, चलें जनाब चलें, शुरुआत करें, शुरू करो। 1 घंटे की राइड है और ये भी हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है। अब मैं आपको दल लेक जितना भी हो सकता है जो पॉसिबल है आपको दिखाऊंगा। हमारी शिकारा राइड चल रही है, अभी हम यहाँ रुके, आप देख सकते हो बोट में ही सब कुछ हो रहा है। हमें यहाँ पनीर टिक्का लिया है, इस तरह आप देखोगे पनीर टिक्का। पापा टेस्ट कैसा है? बहुत बढ़िया। हाँ मम्मी, मम्मी टेस्ट क्या, क्या पनीर टिक्का है? देखो इन्होंने एकदम पनीर टिक्का दिया है, और यहाँ पर इन्होंने अलग अलग 4 तरह की चटनी दी है, अखरोट चटनी है, अलग अलग तरह की चटनी आप देख सकते हो। बट आप देखो यहाँ पर दल लेक पर शिकारा राइड चल रही है, प्लस आप बोट में ही, बोट में यहाँ पर देखो इन्होंने बिल्कुल फ्रेश पनीर टिक्का हमको
बना के दिया है भाई साहब। ये है कश्मीर के मज़े। सुबह का हमने ब्रेकफास्ट किया था पहलगाम में, हाँ। लंच किया था कहीं हाईवे पे ढाबे पर, और अब हम डिनर कर रहे हैं श्रीनगर में हाउस बोट पर। जी बाबा, खाना बहुत अच्छा है, पनीर की सब्जी है, दाल है, हाँ। और सलाद है, हाँ। राइस है, रोटी है, बहुत अच्छा खाना है सब। लेकिन ये एक अलग अनुभव है, हम लोग हाउस बोट पे बैठ के पानी के बीचों बीच बैठ के खाना, हम लोग खाना खा रहे हैं, इधर ही सोएंगे, सुबह इधर ही नहाएंगे और इधर ही ब्रेकफास्ट करेंगे। हमारे नीचे चारों तरफ पानी पानी है, कोई सोच सकता है, और हम लोग हाउस बोट में हैं, आराम से डिनर कर रहे हैं, सब व्यवस्थाएं अच्छी हैं, सब देखने लायक चीज है। पापा खाने का टेस्ट कैसा है? खाने का टेस्ट बढ़िया है, अच्छा। यहाँ के हिसाब से एक तो यहाँ का माहौल ही ऐसा है तो खाना अच्छा लगेगा ही लगेगा। मौसम भी थोड़ा अभी अच्छा हो गया शाम को टाइम पे, यहाँ क्या है हल्की सी हुई है अभी बारिश, और आपको बता दूँ जो पैकेज हमने लिया है उसमें हमारा डिनर प्लस ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। वेज तो ऑप्शन है ही, अगर इनकेस अगर आप नॉन वेज कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पर आपको नॉन वेज भी सर्व किया जाता है। वो आपसे पूछते हैं जो आपको चाहिए जी, वो आपको सब मिलेगा, सब सुविधा मिलेगी। बट बाबा हाउस बोट पर स्टे करना बिल्कुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस, पैसा वसूल हो गया, अलग ही लग रहा है, कोई पता नहीं कौन सी दुनिया में हम, ऐसा लग रहा है कोई आइलैंड पे तो नहीं है कहीं। मैं आपको बता दूं बिकॉज मैंने केरला में बैक वाटर्स में भी हाउस बोट में एक्सपीरियंस किया है, तो मैं आपको बता सकता हूँ केरला अपनी जगह और कश्मीर अपनी जगह। और बाबा अगर यहाँ पर दिसंबर में हम आएंगे ठंड में बाबा, फिर तो उसका जब अलग ही आनंद होगा। ये तो आप मान लीजिए बिल्कुल डल लेक, ये मानिए जम जाती है, लोग बता रहे थे डल लेक पे बिल्कुल जाम हो जाती है, क्रिकेट खेलते हैं लोग, सोचिए। पापा हमने दिन की शुरुआत कितने बजे की थी? सुबह 5:30 बजे शुरुआत हुई है पहलगाम से। अब आपको बता दूं आप बज रहे हैं रात के 10, यहाँ पर आप पापा देख सकते हो और यहाँ पे आप हमारी मम्मी देख सकते हो, और फिलहाल वक्त है सोने का। और आपको बता दें पापा जो ये हाउस बोट है ये फ्लोटिंग नहीं है, ये बम्बू पर है, हाँ। और वो बता रहे हैं बोट वाले इतने मजबूत है कि उनका 60-70 साल उनका कुछ नहीं बिगड़ता, बराबर बने रहते। अब रात को यहाँ थोड़ा एक नाइट हम स्पेंड करने वाले हैं, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है वो आपको कल सुबह दिखाया जाएगा, और कोशिश करेंगे दल लेके मॉर्निंग के आपको व्यूज दिखा पाए। चलो मम्मी जरा पब्लिक को जरा गुड नाइट एक बार बोलना मम्मी। गुड नाइट, शुभरात्रि, शब्बाश है। आ ये बात मम्मी क्या बात है, ठीक है, टेक केयर, सुबह आपसे मुलाकात होगी, गुड नाइट। देख लो कल। A very good morning guys, this is day 2 in this houseboat, और आप यहाँ देखिए हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। यस पापा जरा मेन्यू बताइएगा क्या क्या है। पोहा है, हाँ, ब्रेड बटर है जी, अगर आप नॉन वेज लेना चाहें तो ऑमलेट भी है, अच्छा, टी कॉफ़ी है, सुबह के हिसाब से यहाँ बहुत इन्वायरमेंट अच्छा है, बहुत भाई अच्छा। सुबह की चाय मिल जाए एकदम कड़क। मम्मी ये बताओ पहले रात को नींद कैसी आई मम्मी? आरामदायक वगैरह कैसा रहा? बहुत अच्छी। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, 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 अच्छा। मौसम भी अच्छा हो गया था, ठंडा हाँ। मौसम भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छी नींद आई थी। आप सोचिए दिन की शुरुआत ऐसे हो, हाथ में हो चाय या कॉफी प्लस पोहा आपको दिया गया है और सामने दल लेक, इससे ज्यादा आप क्या मांग सकते हैं। जो टूरिस्ट यहाँ स्टे कर रहे थे पापा कुछ चेकआउट कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं वो एयरपोर्ट है ना, और कुछ जा रहे हैं आगे, मतलब जहाँ जहाँ उनकी जगह बाकी है जहाँ आगे उनका है टूर वो घूमने के लिए वहाँ जा रहे हैं। बट पापा दिन की शुरुआत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है। मैं तो आपसे ये कहूँगा हमारी ये कश्मीर की ट्रिप क्या रही है, और फिर से आपको बता दूँ पूरी कश्मीर ट्रैवल व्लॉग्स का प्ले लिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक भी व्लॉग मिस मत कीजिएगा। सोनमर्ग, गुलमर्ग मैंने आपको सब दिखाए हैं, पहलगाम, पूरी प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और ये देखिए मम्मी पापा के साथ हाउस बोट में बैठ के जनाब यहाँ पर दो चीज खतरनाक है, पोहा खाया जा रहा है।
दैट्स ऑल गाइज फ्रॉम दिस व्लॉग. बता दूँ दिस इज़ डे 7 और हमारा कश्मीर टूर यहीं होता है एंड. व्लॉग 5 भी यहीं एंड होता है. उम्मीद है आपको इस कश्मीर ट्रैवल सीरीज़ में मज़ा आया होगा. डल लेक देख लीजिए, शिकारा लेके हम वापस यहाँ आ गए. अब टैक्सी लेके हम जा रहे हैं यहाँ से श्रीनगर एयरपोर्ट और वहाँ से फ़्लाइट लेके सीधा #आमची मुंबई. मैं तो आपसे यही कहूँगा जनाब, दिस इज़ पैराडाइज ऑन अर्थ. तो जल्द से जल्द कश्मीर के लिए ट्रैवल प्लान कीजिए. बाकी सब डिटेल्स, फॉर डिटेल्स आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो ट्रैवल एजेंसी को, डिस्क्रिप्शन में मैंने सब डिटेल्स दे रखी हैं. और भाई साहब कश्मीर घूम के आ गया, जन्नत है कश्मीर घूम के आ गया मज़ा. और मैं तो आपसे यही कहूँगा बहुत जल्द मैं फिर से आऊँगा. ठीक है, हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए. दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज. मिलते हैं जनाब, मिलते हैं, मुस्कुराते रहिए.